आज गवर्नमेंट मेजॉरिटी में है, इसीलिए गवर्नमेंट को पूरा फैसला लेने का अधिकार डेमोक्रेसी में है और गवर्नमेंट ले रहे हैं। हमारे पार्टी का सपोर्ट एज ए चीफ मिनिस्टर के नाते उद्धव जी के पीछे है, उनके साथ है हम सब। दादा, अभी लगातार शिंदे ग्रुप की तरफ से मीडिया से फोन पर जो बातचीत की है, उनका कहना है कि 40 शिवसेना के विधायक उनके पास है, साथ साथ में इंडिपेंडेंट भी 9-10 है, लगभग 50 के करीब। अब सवाल ये उठता है कि 2/3 बहुमत शिंदे ग्रुप के पास में है, तो ये सरकार तो अल्पमत में आ गई। अरे वो शिवसेना के है ना, आपने भी क्या बताया कि वो शिवसेना के विधायक है, तो अभी चीफ मिनिस्टर भी शिवसेना के है और उनको सपोर्ट दिया है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस ने, तो पूरी मेजॉरिटी है ना। आज गवर्नमेंट मेजॉरिटी में है, इसीलिए गवर्नमेंट को पूरा फैसला लेने का अधिकार डेमोक्रेसी में है और गवर्नमेंट ले रहे हैं। उन्होंने उदाहरण दिया है कि जिस तरह पुलिस भर्तियों में पुलिस के ट्रांसफर में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, फटाफट जो ट्रांसफर और फैसले हो रहे उसमें कहेंगे भ्रष्टाचार की गुंजाइश है, इसलिए राज्यपाल नजर रखें। नहीं नहीं, उसके बारे में ये जो आप अगर गवर्नमेंट में होते और मेजॉरिटी में होते तो आपको अधिकार ही है, मिनिस्टर को अधिकार है ना, उस मिनिस्टर को जिस डिपार्टमेंट का काम हो रहा है उस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर को अधिकार है, फाइनल अधिकार तो चीफ मिनिस्टर का रहता है। लगातार शिंदे ग्रुप के विधायक आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस एनसीपी उन्हें सहयोग नहीं करती थी और कहीं ना कहीं उनके विधायकों को मंत्रियों को मदद नहीं मिलती, ऐसा क्या चल रहा था कि आप लोगों को? ये देखो ऐसा आपको एक मालूम होनी चाहिए, आप समझो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हो, ये होम डिपार्टमेंट के मिनिस्टर है, वो RDD मिनिस्टर है, तो वो मिनिस्टर को पूरा अधिकार उनके पास रहता है, दूसरे किसी को नहीं जाता। एक दफ़ा फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश करने के बाद और दोनों फ्लोर पे यानी विधान परिषद और विधानसभा में वो जब मंजूर हो जाता है मेजॉरिटी विधायकों के तरफ से, तो उसके बारे में उसका पूरा अधिकार अलग अलग ट्राइबल का ट्राइबल डिपार्टमेंट के मिनिस्टर को जाता है, PWD का उनके मिनिस्टर को जाता है, इरिगेशन का उनके मिनिस्टर को जाता है, ऐसा होता है, ये आपको भी पता होना चाहिए। तो आप लोगों से नाराजगी क्यों है? अभी उनके मन में क्या है, उन्होंने एज अ चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी को बताना चाहिए कि ऐसा प्रॉब्लम है। सर, एकनाथ शिंदे ग्रुप ने डेप्यूटी स्पीकर पर नो कॉन्फिडेंस जताया मीडिया से बात करते हुए, उसके बारे में क्या है? उसके बारे में आप किसी के भी ऊपर नो कॉन्फिडेंस जता सकते हैं, लेकिन वो मंजूर होना चाहिए ना।